बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि दावत व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने आई हुई थी क्योंकि मेरे पास मीठा बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें जो हैं वो घर पर अवेलेबल नहीं थी, लाइक जैसे कस्टर्ड पाउडर हो गया और साथ में जेलीज हो गई, फ्रूट केक, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। और इसके अलावा मैंने कुछ मसाले लेने थे वो ले लिए और नेक्स्ट कोला यहाँ से ले ली क्योंकि घर के पास जितने भी स्टोर है ना वहाँ पे नेक्स्ट कोला अवेलेबल नहीं होती। वहाँ पे फिर कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती है और आप लोगों को पता है कि कोका कोला होगी और पेप्सी होगी, इससे तो हमारा टोटली बायकॉट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जितने भी देखने वाले हैं मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी अभी तक बायकॉट नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप लोग भी बायकॉट करें, मत खरीदें। ये पेप्सी है, कोका कोला है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक, छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप बायकॉट करना शुरू कर देना तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, सिर्फ पेप्सी और कोका कोला ही नहीं है, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम बायकॉट कर सकते हैं। जब से मैंने बायकॉट करना शुरू किया है ना तब से मुझे आइडिया हुआ है कि मैं कितनी ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ कर रही थी अपने घर में जिनसे हमें टोटली बायकॉट करना चाहिए। नेस्ले ऑल टाइम हमारे किचन में है, एवरीडे मिल्क जो है वो नेस्ले का है, नेस्ले योगर्ट है, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम है, नेस्ले का दूध है और इसके अलावा जो है कोका कोला, पेप्सी, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे किचन के अंदर। ये तो सिर्फ मैं किचन आइटम्स बता रही हूँ, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बायकॉट वाली हैं बट हम करते नहीं हैं। अगर इसका टोटल एस्टीमेट लगाया जाए तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आप हर घर वाले तकरीबन 25 से 30,000 जो है वो ऐसी चीज़ों पे के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि बायकॉट करने से क्या हो जाएगा? अरे भाई, पहले करके तो देखो फिर पता चलेगा कि बायकॉट करने से होता क्या है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक एक घर से 25 से 30,000 जो है वो उन्हीं के पास पैसा जा रहा है, तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने घरों के पैसे, मतलब कि करोड़ों अरबों की तादाद में पैसा जो है वो हमारा मंथली जा रहा है वहाँ पर। तो थोड़ा सा तो आप ध्यान दे दें, बायकॉट पहले करके तो देखें। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो बायकॉट करते हैं, जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं इस वक्त, तो आई रियली अप्रिशिएट यू। मैंने सोचा कि आज के इस दावत व्लॉग में हम साथ साथ कुकिंग भी करते रहेंगे और साथ साथ अच्छी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस नेक्स्ट कॉलर से ही मुझे याद आ गया था बायकॉट का, तो बस मैंने वो बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर हमारी गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर रही तो एटलीस्ट हमें तो कुछ करना चाहिए ना। वैसे तो हमारे ऊपर जिहाद इस वक्त जो है वो फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला का, खुद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर एक मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो उसके लिए जिहाद लड़े। जिहाद तो हमारे ऊपर इस वक्त फ़र्ज़ है, बट अगर हमारे लिए वो मुश्किल है, हम जिहाद नहीं कर पा रहे, तो ये भी बहुत बड़ा जिहाद है हमारे लिए कि हम उनकी चीज़ों का बायकॉट करें। अच्छा, बहुत से पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे हैं जो कि बायकॉट करते हैं और कुछ पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे हैं जो कि बायकॉट को मजाक समझते हैं। उनकी नज़र में वो समझते हैं कि बायकॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। KFC, मैकडोनल्ड्स, अभी ईद आई होगी, सब अपनी फैमिलीज़ को लेकर गए होंगे और इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स, जैसे अभी मैंने आपसे कहा है नेस्ले, नेस्ले तो हर घर के अंदर है, नेस्ले की इतनी ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स हैं और सबको इतना ज़्यादा पसंद है। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता था नेस्ले की चीज़ें, मुझे भी पसंद है। नेस्ले का योगर्ट जो है वो मुझे कोई और योगर्ट अच्छा नहीं लगता, जो उनका स्वीट योगर्ट है मुझे नेस्ले का ही अच्छा लगता था, बट मैंने बायकॉट किया। और इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने ही अभी ये जेली जो है प्रिपेयर करके रख रही हूँ। अच्छा, जेली मैं नेशनल की ले रही हूँ आजकल, पहले मैं रफान की लेती थी, रफान के अलावा मैं कोई और जेली नहीं लेती थी, बट मैंने नेशनल यूज़ करना स्टार्ट कर दिए और कस्टर्ड पाउडर जो है वो भी मैं नेशनल का लेकर आती हूँ, रफान नहीं लेती। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बायकॉट करना शुरू करेंगे ना तो फिर आपसे बायकॉट होगा। और साथ साथ ना हमारे खाने की प्रेपरेशन भी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ना टिक्का बोटी मसाले से मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार, फ्लेवरफुल बनती है ना ये। अच्छा, टिक्का बोटी तो हम सिर्फ टिक्का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन अगर आप इसका सालन बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। चिकन ले लिया है मैंने, तकरीबन 1 kg ही होगा चिकन, और इसमें मैंने ना 1 कप तकरीबन योगर्ट ऐड किया है और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी यही टिक्का बोटी मसाला नेशनल का,
ठीक है। और इसमें मैं फिर 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसके अलावा मैं इसमें ना ऐड कर दूँगी ऑल पर्स की क्रीम, वो भी हाफ क्रीम आप ऐड कर दें, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ मलाई टिक्का हांडी। इसका नेम भी मैंने खुद ही रखा है मलाई टिक्का हांडी, क्योंकि ये मेरी अपनी ही रेसिपी है। एक बार पहले मैंने ट्राई किया था खुद ही, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बनी, घर वालों को सबको पसंद आई, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने ये रेसिपी तैयार करती हूँ। तो बस अभी मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। हाफ क्रीम मैंने अभी ऐड कर दी है इसको मैरिनेट करते हुए, और हाफ क्रीम ना मैं बाद में जब सालन बन जाएगा। अच्छा, मैरिनेट करते हुए हाफ क्रीम मैंने इसीलिए ऐड की थी ताकि इसके अंदर फुल मलाई बोटी वाला टेस्ट आए सालन में। अभी मैं फ्रूट राइफल का बाउल रेडी करने लगी हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ना एप्पल और बनाना में एक ऑलपर्स की क्रीम मिक्स कर दी थी। अब मैं इस तरह से लेयर बनाती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रूट केक की लेयर लगाई है और उसके ऊपर थोड़ी सी जेलीज रखी हैं, और उसके ऊपर फिर मैंने कस्टर्ड ऐड किया है, फिर उसके बाद ये फ्रूट्स की लेयर आ गई, फिर ऊपर से दोबारा से कस्टर्ड आ गया, और फिर ऊपर से दोबारा से मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर दूंगी और ये बाउल रेडी हो जाएगा। बस इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए टाइम पे। और इसके बाद फिर मैं मलाई टिक्का हांडी जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद। बाकी फिर बिरयानी भी बनानी है और बाकी जो चीज़ें होंगी रायता सैलेड वगैरह वो फिर बाद में होगा। अच्छा, रायता सैलेड वगैरह मैं पहले बना लेती हूँ, बट आज नहीं बना पाई, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इतने सारे काम थे, तो वो फिर मैं बाद में कर लूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं बनाने लगी हूँ जी मलाई टिक्का हांडी। ये मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए रखा था, अब इसको आधा घंटा हो चुका है। मैरिनेशन इसकी बड़ी अच्छी हो गई है माशाल्लाह। पतीली में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस फिर 20 मिनट्स में ही हमारी मलाई टिक्का हांडी तैयार हो जाएगी। मैरिनेशन बस आपने चिकन की जो है ना वो आधे घंटे के लिए ज़रूर करनी है, ताकि टिक्का बोटी मसाला और क्रीम का फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से ही अब्सॉर्ब हो जाए। तो बस अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अच्छे तरीके से जैसे ही इसका थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो अंदर जो योगर्ट ऐड की थी ना, योगर्ट का जैसे ही पानी खुश्क होगा तो इसमें हम थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं इसको मींस के थोड़ा सा शोरबे वाली हो, मींस के थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, तो फिर आपने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करना है, वाटर या इसमें थोड़ा सा दूध जो भी आपको सही लगे वो ऐड कर देना है। और इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, और बाद में फिर जब ये पक कर तैयार हो जाएगी ना, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। अच्छा, तो जो मेन पार्ट है ना मलाई टिक्का हांडी का वो ये है कि आपने इसको कोयले का दम लगाना है, ताकि आपका फिर वही अच्छे से फ्लेवर है ना टिक्का हांडी वाला। तो बस मैंने कोयला ले लिया, उसको अच्छे से गर्म किया था और फॉइल पेपर में कोयला रख कर थोड़ा सा ऊपर ऑयल रखना है। ऑयल रखने के बाद फ़ौरन से ढक्कन बंद कर देना है और आपका अच्छे तरीके से कोयले का दम लग जाएगा और मलाई टिक्का हांडी बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ना तैयार होकर रेडी हो जाएगी, और आपके गेस्ट को, आपके घर वालों को, सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। ज़रूर आप लोगों ने ये रेसिपी जो है ना वो ट्राई करनी है। और अभी जो जो भी न्यू है मेरे चैनल पर, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। खाना भी साथ साथ रेडी हो रहा है और गेस्ट के आने का टाइम भी हो चुका है, तो अभी मैं रूम से सारी छोटी छोटी चीज़ें हटा रही थी कि ताकि ये सारा कुछ साफ़ सुथरा हो जाए, और यहाँ पे फिर लंच मैट भी चाहेंगे। और ये देखिए हमारा खाना माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। मलाई टिक्का हांडी बहुत ही ज़बरदस्त ही बनी है, ऊपर से मैंने दोबारा से क्रीम की थोड़ी सी टॉपिंग कर दी है, और माशाल्लाह से बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। अच्छा, जो मेरे गेस्ट आ रहे थे ना, उनको भी वैसे मेरे हाथ की ये लेयर्स वाली बिरयानी ही पसंद है, और मेरे घर में भी ज़्यादातर सब जो है वो लेयर्स वाली ही बिरयानी पसंद करते हैं, तो इस वजह से साथ में मैंने बिरयानी बनाई थी। और अच्छा, एक और डिश मैंने रखनी थी साथ में, बट जो मेरे गेस्ट है ना
वो कुछ इतना है कि दो दिन पहले ही उन्होंने मुझे बार बार बस यही कहना शुरू कर दिया था, ज़्यादा नहीं बनाना, हमसे खाया नहीं जाता और हमें मज़ा नहीं आता, और फिर ज़्यादा डिशेज हों तो फिर अच्छे से बंदा इंजॉय नहीं कर पाता खाना। तो फिर इस वजह से फिर मैंने जस्ट यही बिरयानी थी, मलाई टिक्का हांडी थी, साथ में फ्रूट ट्राइफल था और साथ में बस वही कोल्ड ड्रिंक्स, रायता, सैलेड वगैरह यही चीज़ें ही थी। और बस जो अंकल और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक अलग रूम में बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और बच्चे और हम सब जो हैं हम यहाँ पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फ्रूट ट्राइफल मैंने दस्तरखान पे इसलिए रखा था उस टाइम क्योंकि जो छोटे बच्चे थे वो सब यही डिमांड कर रहे थे कि हमें मीठा चाहिए, और कुछ भी नहीं वो खाना चाह रहे थे, ना ही बिरयानी और ना ही कुछ और, तो इसीलिए मैंने साथ ही इसको दस्तरखान पे रख दिया था कि अगर जिन जिन बच्चों को चाहिए होगा तो मैं वहीं से डाल के दे दूंगी। खाना माशाल्लाह हम सब ने खा लिया था, तो अभी मैं सबको ट्राइफल डाल के दे रही हूँ। आज माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा, हमने एक दूसरे के साथ बड़ा ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। अल्लाह ताला सबको इसी तरह से हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज़ को हमेशा खुश रखे एक दूसरे के साथ। किसी के अंदर थोड़ी सी नाराज़गी है, अगर कोई रिश्तेदार एक दूसरे के साथ थोड़ा सा नाराज़ है तो अल्लाह ताला उन सब की नाराज़गियाँ दूर करे, अल्लाह ताला सबको हमेशा एक दूसरे के साथ खुशबाश रखे। हमेशा मैं अपने व्लॉग में ये बात करती रहती हूँ, हमेशा मैं हदीस भी सुनाती रहती हूँ कि रिश्तेदारों के साथ कतअ तअल्लुक़ करने वाला जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर ज़रूर गौर किया करें कि ये एक कोई आम सी हदीस नहीं है। मतलब हम ये हदीस भी जानते हैं फिर भी हम मुसलमान ना इसके ऊपर अमल नहीं करते, हम फिर भी हमारी जो ईगो है ना वो हमारे अंदर इतनी भर चुकी होती है कि हम कहते हैं कि नहीं हम कैसे मतलब किसी के आगे झुके। और ये भी हदीस है ना कि अगर झुक जाने से आपकी इज्जत कम हो रही है ना तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आपको इज्जत दे दूंगा, अगर दुनिया में हम झुक जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें इसका ज़रूर सिला देंगे इंशाल्लाह। और बस ये आज का व्लॉग यहाँ तक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।